एमपी कल जो है एब्सेंट थे, और जो क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल जो कल पास किया गया लोकसभा में, डेथ पेनल्टी रखी गई है मॉब लिंचिंग पे, और अमित शाह जी ने कहा एक रिमार्केबल जो है वो ये काम सरकार ने किया है, देखते हुए देश में लोगों को जस्टिस मिले और उसको फोकस रहे जस्टिस। देखिए सारे बिल पे हमारे स्टैंडिंग कमेटी भी चर्चा हुई थी और हमारी तरफ से सारे डिसेंट नोट हम वहां रखे थे। ये हमारे जो मोटे मोटे दो चार बात इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने पालन किया, लेकिन बाकी सारे हमारा जो मूल मुद्दा थे उससे हटकर अपने मन माफिक इतना बड़ा एक बिल पारित कर दिया। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक, इसका दूर यह बहुत प्रभाव, इसका दूर प्रभारी असर होगी। लेकिन ये सरकार सब कुछ अनदेखी कर रहे हैं, अपने बहुमत की बाहुबली से जो मर्जी वो करने जा रहे हैं। कोई अगर मतलब किसी का कहां कौन कैसे फंसेगा और किसको कहां जेल होगी, एक उम्र कैद होगी या फांसी होगी, इसका कोई कानूनन कोई मतलब इसका व्याख्या नहीं है। ये जबरदस्ती देश को एक अंधेरा युग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, सदन की बाहर चाहे कोर्ट हर जगह हम लोग जाने के लिए तैयार है, हम इस मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आज तक आईपीसी एविडेंस कोड और सीआरपीसी ये हम मान के आ रहे हैं, अचानक उसमें संस्कृत वाद डाल दिए। अरे सारे इतने सारे हमारे ये कानून जो आज तक पारित हुए थी, इतने सारे कोर्ट की फैसला हुई थी, तो सारे क्या हुआ ये, इसको सारे क्या बदलाव जाएगी? कोर्ट में तो आईपीसी लिखे थे, कोर्ट में तो सीआरपीसी की धारा लिखे थे, कोर्ट में तो एविडेंस की ऊपर लिख रहे थे जजों ने, तो क्या हुआ सारे साक्ष्य कहां, मतलब क्या क्या बोलते हैं उतने मुझे जान भी नहीं है, संहिता वगैरह वगैरह वो कब लिखेगा? इतने सालों से सदियों से ये चलते आ रहे हैं। हमारा तरफ से ये मांग किए गए थे कि भाई हिंदी की जरूरत है, उसके साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा करो, बात तो एक ही है, हिंदी सबको समझ में नहीं आते तो उसके साथ साथ इंग्लिश में अगर आईपीसी सबको समझ जाते हैं, 322/30 सबको समझ जाते हैं, तो आईपीसी की धारा लिखने में क्या असुविधा होती? इंग्लिश हिंदी पढ़ाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हर लोग तो हमारे देश में हिंदी नहीं जानते हैं ना। मान लीजिए साउथ के लोग हिंदी नहीं जानते, हमारे बंगाल के लोग सब हिंदी नहीं जानते, हम कैसे हम ये कानून को कैसे हम समझेंगे? तो ये मतलब सरकार ये जो मर्जी वो करने के लिए तैयार है, हिंदी हिंदू और हिंदुत्व के ये एजेंडे पे चल रहे हैं, देश के लिए बड़ा गलत संदेश जा रहा है, ये मैं जरूर